हरवार रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, भतीजी की लव मैरिज से नाराज होकर चलाई गोली। नमस्कार, मैं हूं निर्मला वशनारिया और आप देख रहे डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हां, जिले में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से देसी कट्टा भी जब्त किया गया। मामला लव मैरिज से जुड़ा होकर जिले के जीरन थाना क्षेत्र का सोमवार की सुबह का बताया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम हरवार रोड पर ग्राम चंगेरा निवासी रोशन माली नामक युवक पर फायरिंग हुई, जिससे इलाके में सनसनी के साथ धीरे धीरे दहशत का माहौल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बयान के दौरान घायल युवक रोशन ने पुलिस को बताया कि वह बाइक पर प्रतापगढ़ से नीमच आ रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो वाहन में सवार विशाल सिंह आया और देसी कट्टे से उस पर फायर कर दिया, जिसके बाद जीरन थाना प्रभारी और टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज 5 घंटों में वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब आरोपी विशाल सिंह से पूछताछ की तो उसने गोली चलाने का कारण बताते हुए कहा कि घायल रोशन माली से उसकी भतीजी ने लव मैरिज की हुई है, जिससे विशाल नाराज था और इसी रंजिश को लेकर आरोपी ने फरियादी पर 12 बार देसी कट्टे से फायरिंग की, जिसमें रोशन घायल हुआ। पुलिस कप्तान ने की इनाम की घोषणा। आपको बता दें कि फायरिंग की घटना के मामले में जैसे ही तूल पकड़ा तो जिला पुलिस कप्तान सूरज कुमार वर्मा ने जीरन पुलिस को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी पर जीरन थाना प्रभारी और टीम ने भी गंभीरता दिखाई और महज 5 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद SP वर्मा ने कार्यवाही के दौरान शामिल टीम को कमो पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। ताबड़तोड़ कार्यवाही में ये है शामिल। उक्त कार्यवाही में जीरन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया, SIRC सुरावत, शिशुपाल सिंह गौड़, ASI रमेश सोनी, साइबर सेल प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंधे, आरक्षक कुलदीप, श्रीपाल सिंह चंद्रावत, राजेंद्र सिंह और पंकज कुमावत सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।